तो हाय गाइस, मैं मनोज आपको फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक्निकल मनोज पर। दोस्तों, कैमरा तो सब यूज़ करते हैं, पर कैमरा में जो टाइमर सिस्टम होता है, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6, जब सुनने में पहुँचता है तो क्या होता है ना, अपना जो फोटो की वीडियो है वो क्लिक हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो टाइमर सिस्टम होता है 99% लोगों को पता होता है और नहीं पता भी होता है। तो जो लोगों को पता नहीं है तो उसको मैं बता दूंगा, उनको मैं बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो कैसे करना है वो सारा का सारा टिप्स और ट्रिक्स इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सारा का सारा ट्रिक्स आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना है। चैनल पर नया आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और दोस्तों, आपको इसी तरह का वीडियो मिलती है और मिलती रहेगी, तो नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो गाइस, आपको पहले क्या करना है, अपना कैमरा को ओपन कर लेनी है। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरा जो कैमरा है आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों, जो सेटिंग होता है, सबका मोबाइल में एक प्रकार का सेटिंग होता है। इधर आप देख सकते हो, ये जो सेटिंग होता है आपको सेटिंग पर क्लिक कर देनी है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो ऑफ लिखा है, ये जो टाइमर सिस्टम होता है, मेरा तो इधर है, आपका और कोई भी होगा तो आप जरा चेक कर देना अच्छे से, आपका मोबाइल के अनुसार आपका भी अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट होता है वो सिस्टम। दोस्तों, मेरा तो इधर का फोटो के सेकंड पार्ट सिस्टम में है, जो जो ऑफ है ना, इसको ऑन कर लेनी है। देखो, ये 3 सेकंड 10 सेकंड के, तो आपको सिंपली 10 सेकंड में क्लिक कर देनी है। अब इसको बैक कर देनी है। अब देख सकते हो, अभी ये फोटो मेरा रेडी हो गया है। सेल्फी जो सिस्टम है, आपको ये जो फोटो वाला सिस्टम है, इधर आपको क्लिक कर देनी है। बहुत सिंपली का तरीका है, आपको इधर क्लिक करना है। और देखो, ये जो हमारा गिनती शुरू हो गया है 10, 9, 8, 7, जब ये सुनने में पहुंच जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वीडियो जो फोटो है वो क्लिक हो जाएगा। तो चलो वीडियो को प्लस, देखो मेरा फोटो हो गया है, आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही सिंपली तरीका की जो फोटो है, ये देखो खींच हो गया है। दोस्तों, इसी तरह का आप फोटो खींच सकते हैं। तो दूसरा ट्रिक है, पहला ट्रिक तो आपको बता दिया कि इसे आप टाइमर सिस्टम कर सकते हो, और दूसरी ट्रिक से चलो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दूसरी ट्रिक से इधर देखो, कुछ ये ट्रिक दिखाऊंगा। जब आप आसमान का कोई फोटो खींचते हो, तो देखो कुछ इस तरह का फोटो आप आसमान का खींचते हो, तो देखो इधर जो ब्राइटनेस कम है ना, इसको आप हाई लेवल का ब्राइटनेस कर सकते हो। अपने मोबाइल का सिस्टम से नहीं, अपना जो कैमरा का सिस्टम है उधर से आप इसका जो ब्राइटनेस है उसको हाई लेवल कर सकते हो। तो कैसे करना है तो बताता हूँ। पहले आपको इसका जो बीच का हिस्सा है आपको इधर क्लिक कर देनी है। ओके, तो मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, आपको देख सकते हो जो लाइटिंग सिस्टम है, आपको उधर क्लिक करना है लाइटिंग सिस्टम के पास। देखो, और अगर करता हूँ, जो लाइटिंग सिस्टम है इसको ऊपर लेना है। और जैसे ऊपर लोगे, देखो ब्राइटनेस एकदम हाई हो गया, और थोड़ा सा लो कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखो इतना, देखो इतना बहुत ही सिंपली होगा, आप इससे फोटो बहुत ही अच्छा खासा खींच सकते हो। इससे आपका ब्राइटनेस बढ़ती है कम होती है, कैमरे के अनुसार होती है। आप अपने मोबाइल का ब्राइटनेस कमा बढ़ा कुछ भी नहीं करना है आपको, इधर से अपना ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो और कमा भी सकते हो। तो इसी तरह का आपको मैं 2 ट्रिक बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। इसी तरह का वीडियो आपके लिए मैं लाया रहता हूँ, लाता हूँगा, और इसीलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। चलो, रुकता हूँ आज के लिए, मुझे विदा दे दीजिए। चलो